ये खंडरात तो जमाने की याद दिलाते हैं और हिंदुस्तान पर पुर्तगेजों के झंडे लहराए और उनकी देखा देखी दूसरी तिरंगी कौमों ने हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में बदला। ये तस्वीर किसी लैला मजनू की दास्तान है न किसी रोमियो जूलियट के इश्क अफसाना है और न ही किसी रॉबिन हुड की कारगुजारियों का किस्सा, बल्कि तस्वीर हिंदुस्तान के इस बहादुर सिपाही की जो कि अपने वतन की आबरू की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। हिंदुस्तान का वो बहादुर सिपाही जिसकी की मिसाल दुनिया में ढूंढने से मिला। चुनाचे 16वीं सदी का वो दौर जबकि हिंदुस्तान के जुनून मगरब में पुर्तगेज अपनी किस्मत आजमा रहे थे, उस वक्त जबकि सर पर एक बला मंडला रही थी, तब भी रंगीले राव के महल में परियों का छुरमो था। और इधर हर घड़ी जान खतरे में। जय सिंह, खतरे से डरते हो तो चूड़ियां पहन लो चूड़ियां। हमारा नाम राजा तांबा है, तांबा। देश की रक्षा हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हमने आखिरी दम तक लड़ने का फैसला किया है।
शेर सिंह, तो हमेशा गैरों के हक में बात करते हो और खामखा उल्टी सीधी बातों से हमारे बहादुरों के दिल में शक और डर का बीज बोते हो। शर्म करो। महाराज, शक तो दुनिया को इसलिए होता है कि आपके छोटे भाई राजा रंगीले राव को आपके विचारों से कोई हमदर्दी नहीं, और फिर भी आपकी पुत्री राजकुमारी चिंतामणि संगीत नगर में ही रहती है। शेर सिंह, हमने अपनी बेटी तुम्हारी चिंतामणि को संगीत नगर में रहने की इसलिए इजाजत दी है कि वो जगह खतरे से दूर है। हाँ, रंगीले राव के विचारों का रंग वो हमारी पुत्री पर नहीं कर सकता। वो वतन के नाम पर शहीद होने वाले राजा तामा की पुत्री है, समझे? हाँ हाँ चिंतामणि, हम तैयार हैं। तुम भेज दो पैगाम अपने शेर सिंह के पास कि वो जब चाहे इन पुर्तगालियों को यहां ला सकता है। हमें उनसे मिलकर खुशी होगी और फायदा भी होगा ना। महाराज, आपके फायदे के लिए तो ये सब कुछ हो रहा है। देखिए कैसी कैसी चाली यहाँ बैठे बैठे चल रही। चिंतामणि, अगर ये दिमाग यहाँ होता तो। महाराज, अगर ये यहाँ होता तो आपको सुंदरियां ना भरती। नहीं चिंतामणि, तो फिर अपना ही दिमाग अच्छा है। सुनो, सुना है फिरंगियों के यहाँ फितने पैदा होते हैं। आपके पास कम चिंगारियां हैं क्या? चिंगारियां तो हैं, मगर एक आदमी पुर्तगालन मिल जाती तो भारत के रोज रोज के झगड़े मिट जाते। हेलो असल केंद्रो, आवाजनी जो कुछ कह रहे हैं मुल्क स्थान कितने तरीके कह रहे हैं, ऐसा बोलने से पहले सुन करो कि हकीकत क्या है। बिरादरान, यह हकीकत कि पुर्तगाल से आने वाले पुर्तगेज ताजर काली मिर्च और मसाले की तिजारत के खातिर यहाँ नहीं आए, इनके इरादे कुछ और। ये दुकानों की इजाजत मांगकर किले तामीर करने वाले अपने मुल्क से तोपे लाए, वो तोपे कि जिनकी गूंज वो कहे हैं घरों की, कि जो शेरों के पोत और हिंदी शमशीरों के आए दिन बुलाते। मैं वो दिन नहीं भूला जब मैंने कालीकट के महाराज जयमरीन के दरबार में एक दिन उसी बात को निगामा को दस्तबस्ता करे देखा जो कानून और कोचिन के राजा की सखावत से मालामाल होकर लौटते वक्त इंसानियत को भी भूल गया। उसकी जाबराना भरशियाना कातलाना हरकत के ये अरब और हिंदुस्तानी मल्ला जिंदा सबूत है, जिनके पेड़ों को उसने लूटा पामाल किया, नाम को कान काटने के बाद चलते हुए बागबानों से टकरे हुए मजलूमों के हथौड़ों से दांत तोड़ डाले। क्या तुम्हारी किसकी गवाह रहेगी? नौजवानों को भी बोल कर आए तो मेरी इन बूढ़ी आंखों को दिखाई दे रहा। देखो देखो, समंदर पार से एक तूफान बढ़ता हुआ चला आ रहा, एक बड़ा राजी हो रही है जिसके दामन में वो भूखी आंखें हैं जो एक दिन तुम्हारे हिंदुस्तान को दस्तरखान पर बिछाकर तलवारों की इसके टुकड़े करके हड़प कर जाएगी। इसलिए पेश कर इसके किस बदनसीब हिंदुस्तान के बदनसीब राजा आपस के झगड़ों में पड़ कर मुल्क की इज्जत को गैरों के पास गिर भी रखते। इन्होंने हलाने वतन अपने महाराज का साथ न छोड़ू, इस बूढ़े शेर इस रामरे कौम इस मुकदस हस्ती से किनारा कशी करके बहादुरों की इज्जत को पट्टा न लगाओ, सीने में उठे बलबलों को जबान पर लाओ और बुलंद आवाज में कहो कि वतन की इज्जत पर मन मिटेंगे कुर्बान हो जाएंगे। कर रही है महाराज, जब तक हमारा एक सिपाही भी जिंदा दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महीनों से कोशिश कर रहा है ना, क्या बिगाड़ लिया? Oh,
क्या आप मुझे बता सकते हैं महाराज कि वो दूर आसमान पर जो बिजलियां सी चमक रही हैं, वो कौन सी जगह है और वहां क्या हो रहा है? हमारा ख्याल है कि जिस तरह से हमने संगीत नगर में दीप माला का हुक्म दे रखा है, उसी तरह से वहां के रहने वाले आतिशबाजी से खुशियां मना रहे हैं। ये आतिशबाजी नहीं महाराज, विदेशों की तोपों से बरसे ही आपके शोले हैं, जिसका भाई और पति वहां लड़ रहे हैं। ये शोले उसी को नजर आ सकते हैं महाराज। ये संगीत नगर प्रेम नगर रूप नगर नहीं महाराज, लड़ाई का मैदान है, जहां आपके बड़े भाई राजा तांबा मुट्ठी भर फौज से तूफान की तरह बढ़ते हुए दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। उधर तोपों की गरज, इधर सुंदरियों से कहकर। हसला, हमें यह कहकर पसंद है, हमारे राज में अमन है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। कोचीन के महाराज को ज्योतिषियों और पंडितों ने बताया है कि समुन्द्र पार से आने वालों के इकबाल का सितारा इतना बुलंद है कि इस सारे देश को उनके सामने सर झुकाना पड़ेगा। इसलिए हम पहले ही फिक्र क्यों न चुका ले, हम खामखा किसी से लड़ाई क्यों मोड़ दें? हम अपने बड़े भाई राजा तांबा की इससे ज्यादा मदद नहीं कर सकते कि उनकी बेटी कुमारी चिंतामणि और उसकी ननंद अचला। नहीं महाराज, होने वाली ननंद अचला। हाँ हाँ, होने वाली ननंद अचला को मेहमान समझ कर खातिर तवाजा कर रहे हैं, ये बात कुछ कम नहीं है। और सुनो, हमारे कान नसीहत सुनने के आदि नहीं है। उस्ताद ले जाओ इस बीना को, आग लगा दो घुंघरुओं को, हम आज मदद नहीं करेंगे। मैं कुर्बान जूतियों पर से, क्या गुस्ताखी हुई आलीजा? मेरा कसूर माफ करें महाराज, हमें आए यहाँ 7-8 महीने हो गए हैं, महाराज पहली बार जबान खोली है। गलत, दोनों बातें गलत। आप लोगों को यहाँ आए 7-8 महीने नहीं हुए, और ये पहली मरतबा नहीं बल्कि तीसरी मरतबा आपने हमारी रंगरलियों को किसी न किसी तरह कमजोरियां जताकर हमारे नाजुक दिल को ठेस लगाई। सेवड़ा। और ये जो कहा है कि यहाँ आए हुए 7-8 महीने हुए हैं, वो भी गलत और सरासर बेबुनियाद। आप लोग जब आए थे तो हम अकेले कुआरे, हमने ईमानदारी से हर महीने एक एक शादी की। गिन लो, हमारी 12 रानियों से पता चलता है कि आप लोगों को यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है। फरमाती है 7-8 महीने हुए हैं। क्यों? अब तो हम इधर से उधर से तीनों तरफ से घिर गए। अभी एक तरफ परवर दिगार पालकी में हमारा खजाना है। मान सिंह, तुम दोनों पे हमें भरोसा है, जाओ जंगल के रास्ते से जाओ, 2-4 दिन की देर लगे तो कोई हर्ज नहीं, जाओ। ये खजाना हमारी पुत्री कुमारी चिंतामणि को संगीत नगर में सौंप कर होकर हमारे पास आओ, हम ये जिम्मेदारी तुम दोनों बहादुरों पर छोड़ते हैं। बाबा गनी ठीक है ना, दुश्मन के हाथ हमारी लाशों के सिवा कुछ न आना चाहिए, वरना वो इसी दौलत से और ताकत जमा करके और खतरनाक बन सकता है। जाओ रणवीर, जाओ। मगर महाराज, हम दोनों तो चले जाएं और आप अकेले? हमारी सफेद दौलत से हमारी ताकत और अक्ल का गलत अंदाजा न करो रणवीर। हम वायदा करते हैं, जब तुम आओगे हमें जिंदा पाओगे। जाओ। महाराज, महाराज सरदार रणवीर और इनके बहनों सिपा सालार मान सिंह को आप जिन रास्तों से भेज रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये उन रास्तों से कभी नहीं गुजरे। ओजी ओजी, शेर सिंह जंगल के सभी रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है महाराज, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे इन लोगों के साथ ही। शेर सिंह को साथ जाने का हुक्म दिया जाता है। जो आज्ञा महाराज।
पीने दीजिए। दीजिए, यहाँ पास ही जंगली लोगों की बस्ती है, मैं वहां जाके कुछ गुलाम खरीद लाता हूँ। और आप सांझ होने को है, आप यही काम फरमाइए, मैं मान सिंह जी को साथ ले जाता हूँ। मान सिंह जी आइए। I'm going to die.
चले तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, कल सवेरे कुछ की तैयारी है। अच्छा जाओ तुम तैयारी करो। देखा तुमको 20 गुलाम दे दिए। ये लो जियो जी, 20 मोहरे भी तो दे रहा हूँ, ये लो संभालो भाई संभालो। क्या नाम है तुम्हारा? कील। सुनो कील। कील नहीं कील। अच्छा कील। कील नहीं कील। कभी कील कभी कील कभी खैर सुनो, हमें कोई ऐसा मंचला भी दो जो चीते की तरह दबे पहुंच जाए। यू यू यू। और हमारे तीसरे साथी को जो दूर चट्टान पर लेटा हुआ है हमेशा के लिए मीठी नींद सुला दे, लेकिन ऐसा हो कि एक ही वार में काम तमाम कर दे। अगर चूक हो गई तो ओ जी फिर वो वापस नहीं आने का। सोने का टका दूंगा। क्यों है कोई? सामने पता भी चला ना कब यहाँ आई, कीते की तरह आई। अरे शील ये तो लड़की है, इस पे ये काम नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? छोड़ो भी, इस पे ये काम नहीं होने का। बबल शेर बबल शेर। बबल शेर बबल शेर। अरे ये रबर शेर है क्या? अरे ये तो जंगली बिल्ली है लट्टू बट्टू। मैं कहूँ तो अभी तुम्हारे तलवे चाटने लग गए। मेरे तलवे? अरे भागते कहाँ हो? मैं अपनी बंदूक तो ले आऊँ। बंदूक तो कब से तुम्हारे गले पड़ी है? अशील ए लट्टू बट्टू आओ इसके तलवे चाटो, डरो नहीं आओ ना। शील मेरे तलवे न चटवाओ। चाटने दो, ये नाराज हुए तो खा जाएंगे। बस बस शील इनसे कहो रुक जाए। सामने कहेगी तो ये रुके। चल रहे लट्ठू छोड़, ए बेला इधर आ रही ले जाए। जा, जाना। सुनो सुनो लाओ निकालो क्या दोगे? अरे लाओ तुम्हारा भी काम कर दूं। ओ जी मेरा काम? हाँ तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे साथी को करना है। हाँ करना तो है। हाँ यहाँ सावली से बढ़कर कोई नहीं, बस ये तो समझो ये गई और पेट करके ये आई। अच्छा मैं सोने का एक टका दूंगा। एक? अरे दो देना दो, एक उसकी जान लेने का और एक तेरी जान बचाने का। Thank you.
हो। परंतु देवी जी कुछ समझ में नहीं आया कि तुम चीज क्या हो, इस समय कहां से पधारी हो और ये मार्ग कौन सा है। पहले मच्छर सोने नहीं देते थे, अब जरा आंख लगी तो ऊपर से। उठ, तूने फैमिली का अपमान किया है। मगर ये तो बता कि तू आसमान से टपकी क्यों। मैं टपकी, मैं आई। हाँ देवी तू आई, मगर क्यों आई। तेरी जान लेने। ओ जान लेने, तो ठीक। देखो इस पोटली में मेरी जान पड़ी है, ले लो और 9-2-11 हो जाओ। ज्यादा बातें ना बनाओ, सीधी तरह मुझसे दो दो हाथ करते हो या नहीं। देखो अभी कहती हो दो दो हाथ करो, फिर कहोगी आंखें चार करो। तू है क्या भला, ये महिमा क्या है। सांवली हूँ काया सांवली। अरे मैंने नाखूनों से शेरों के तले जलोते हूँ, तूने मुझे समझा क्या है। तुम बड़ी बहादुर हो, अब तुम जाओ और अपना रास्ता लाओ। पहले तुम मुझसे युद्ध करो। युद्ध? हाँ युद्ध। देखो तो तुम्हारी बुझाओ में कितना बल है। अब बता सिरकरी, इस वक्त एक भले आदमी को परेशान करने का मतलब क्या है। बोल, भुजाओं का बल देखेगी। देख लिया बल तुमने। तुमने अपना साथी भेजकर मेरे गांव से गुलाम क्यों खरीदे। वो देख, वो पालती है ना, उसको उठाने के लिए। अच्छा तो उस पालती में तुम्हारी दुल्हन है। जाओ, छोड़ दिया तरस खाकर, तो अभी चित कर देती। अरे तू क्या करती चित, खैर मना, मुझे गुस्सा नहीं आया। तो करते हो युद्ध। तू क्या करेगी युद्ध, युद्ध करना है तो अपने मर्द को भेज। मेरा मर्द नहीं है ना, इसीलिए करते। अच्छा तो आप कुंवारी हैं, तब तो बड़ी खतरनाक। क्यों मिलू, देर हो गई। हाँ देर हो गई, मुझे डर है कि दोनों ने सलाह करके शायद एक दूसरे को मार दिया। तू फिर आ गई, मैंने हार मान ली, मैंने मान लिया कि तू बड़ी बहादुर है। अब तू मेरा पीछा छोड़ेगी या नहीं, मुझे सोने देगी या नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, मेरे हाथ से जो कटार छीनी है पहले वो वापस कर दो। देख देख ये हाथ बात कर जाएगा, बच्चे कटारों से नहीं खेला करते। बच्चा बच्चा हूँ मैं, जब तक मेरी कटार नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगी। ये लो, चलो अपनी कटार। ठीक हो जाएगा, 20 गुलाम खरीद लिए, क्योंकि रास्ता इसके आगे और भी ज्यादा कठिन। हाँ मुझे मालूम, लेकिन मंजिल पे पहुंचे गुलामों को रिहा कर दिया जाएगा।
क्योंकि मैंने उनकी शामली से वादा किया। शामली? शामली? ओजी ओजी, ये शामली क्या कोई लड़की है जी? जंगल की बंदरिया। यहाँ आई थी? तो क्या चली गई? नहीं, बंदी हुई। बंदी हुई? आप भी बड़े मजाक की हैं जी। हाँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती। ओ वहां पे काफी सजा मिल चुकी है, अब खोल दे। हाँ हाँ हाँ, मैं खोल देता हूँ, आप लोग जाइए आराम कीजिए। वाह, लेके आई थी कटार, कहती थी करूंगी वाह, और यहाँ आराम फरमा रही है। अरे मैंने खुद कुछ नहीं खाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाथ पैर खोलने हैं। हाथ पैर खोल, कहता कुछ नहीं खाया है। क्या बांध के रखा है? अरे ये खोलना। अरे हाँ, तुम भूलने जा रहे थी, बना के जा रही थी क्या? मैं जा रही थी। चल ला मेरी रकम वापस कर। अरे क्या रकम वापस कर, सबर कर जरा। एक बात सुन, है बड़ा हट्टा पट्टा, जोरदार है बड़ा, मुझे उठा लिया उसने। मेरी रकम ला, चल चल ला। फिर रकम ला, रकम ला। अरे बचकर कहाँ जाएगा, बस सामने के हाथ तो देख। तो हाथ कब दिखाएगी? कल सुबह तो हम पूछ कर रहे हैं। पूछ कर रहे हैं तो मैं भी साथ जाऊंगी। ओके, जैसे भी हो। चला गई तू? कैदियाना गुलाम मंजिल पर पहुंचते ही आजाद कर दी जाएंगे। राजा, रात जो कुछ हुआ। उसकी माफी चाहती हो ना? अरे मेरे माफी का मांगा, मैं ये कहने आई थी कि मैं दुल्हन की कालजी उठाऊंगी। जहाँ ये देश गुलाम जा रहे हैं वहाँ मुझे भी ले चलो ना। देख, रास्ता बड़ा कठिन है भाभी, तेरा काम नहीं। हाँ हाँ, रास्ता तो कुछ कठिन ही है मगर। राजा, कैसे दिया तेरा काम नहीं? राजा, रात जो मैं करने आई थी वो मेरा काम था क्या? राजा देखो, मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ कि मुझे साथ ले चलो। अरे मैं टका कमा लूंगी, तेरा क्या जाएगा? और देखो, उनकी बोली जो मैं समझ सकती हूँ वो तुम नहीं समझ सकते। मैं सब समझता हूँ, तुम कुछ नहीं समझते। हाँ भाई, मैं चलती हूँ, चलो जोर लगाओ, उठाओ पाई थी। हाँ, अरे ओम माताजी, नीचे सारे गांव की दुल्हने हैं क्या? ए, झांक मत, सब मिलकर उठो। हाँ भाई, चलो जोर लगाओ। इधर से आना। अरे इधर से, इधर से। दुर्न गरिया सोरियो युमराऊ बलमारी, दुर्न गरिया सोरियो युमराऊ बलमारी। अरे उठाओ ना, अरे उठाओ, उठाओ ना। नजरिया सारी बलमारी, नजरिया सारी युमराऊ
यूं तो गोली मैं भी चला सकता हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अच्छा, इसे मारकर तेरे हाथ क्या आएगा? जो पालकी में। अरे हाँ, पालकी में कौन है? न खाती है न पीती है। पालकी में लक्ष्मी ही लक्ष्मी, जो सबका पेट भरती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तू नहीं समझे तो अच्छा है। देख, तू रणबीर को खत्म कर दे और मान सिंह को मैं साफ कर दूंगा। बाकी रहे ये गुलाम, जो पैरों में गिर जाएगा उसे दो एक टुकड़े फेंक दूंगा और जो जरा भौंका तो बस इसे फिर ऊंची ऊंची और उसके बाद सम्मान अपना है। अपने का मतलब मेरा और तेरा? समझती नहीं है, अपने का मतलब होता है अपना, यानी मेरा। और मेरा? तेरा क्या, दो चार मोरे दे दूंगा तो खुश हो जाएगी। लेकिन देख, आज का मौका चूकने ना पाए। अगर आज का मौका चूक गए तो बस जिंदगी भर कभी मौका नहीं मिलेगा, समझ गई ना? तो मैं फिर जाऊं? हाँ तो जा, जाती क्यों नहीं। हाँ। और ये मेरे कटा। हाँ। 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 ओ बिल्लू के बच्चे, कौन सा वास्ता तेरा नाच सीखने का? सुन ले यार, कौन सामने? राजा। तू यहाँ क्या कर रही? राजा मुझे लाज दिया दो कि जब तुम सो मैं खड़ी पहरा दिया कर। वो मानसिंह जी का? वो वहाँ पुल बनवा रहे हैं, कह रही थी कि जब तुम सो मैं खड़ी पहरा दिया कर। नहीं नहीं, सारी जरूरत है मुझे। राजा, मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जान खतरे में है। उसे अपनी जान ना। अभी मुझे पहले ही उसकी नीयत खराब दिखी। तेरी खौफ का दखल। ए पाई लाओ। राजा, मुझे गोली लगी है, मुझे छोड़कर चला जाओगे? अरे भैया, तू क्यों जख्मी करा नहीं, तुम ऐसा चलो। कोई चाल तो नहीं चल गए शेर सिंह जी? फिर पढ़ो, इसमें तो साफ लिखा है पालकी में खजाना है, हम खजाना लेकर आ रहे हैं। एक बार खजाना आप तक पहुंच जाए फिर रणवीर और मान सिंह वगैरह का क्या बंदोबस्त करना है वो आपसे मशवरा करके तय कर लिया जाएगा। गुलाम कोई ऐसा कदम ना उठाएगा जो सरकार हुस्न की मर्जी के खिलाफ हो। दिल का हाल क्या लिखूं? बस बस, दिल का हाल हमें मालूम। दिल का हाल क्या लिखूं? ये लो, ये मोहरे ली। हा? तुम्हारे सर से निछावर की। हा? और छन्न फेंक दी। ये सामने बड़ी ठीक लड़की है, बाकी सब तो रहा होकर चलते बने, मगर उससे यही जिद कि मेरे गले में दांव डाल दो, मैं जासी बनूंगी राजा की। बड़ी जान निसार है। अरे पागल है पागल, वो तो जान निसारों को पागल नहीं कहा करते मेरे भाई। अच्छा मेरी बहन, दो दिन भी नहीं ठहर सकते? अरे दो दिन तो क्या, मैं दो घड़ी भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि महाराज का हुक्म है कि कुमारी चिंतामणि जी को खजाना सौंपो और तोड़ कर वापस आओ। मान सिंह जी से मैंने कह दिया कि दो दिन के बाद वापस आएंगे, क्योंकि मैंने सोचा कि बहन तो मुंह से कहेगी नहीं तो मैं खुद ही उसके दिल की बात क्यों नहीं समझ जाऊं। जंग करती है तेरी तलवार मेरी। तुम देखो ही बात, तुम कहना भूल जाओ, यहाँ रहना है तो आप कहना सीखो। राजमहल की दासी बनना बच्चों का खेल नहीं। जाओ कुसुम्बा लाओ, सुराई लाओ, प्याली लाओ। चलो इस तरह नहीं, यूं सर झुका के जाओ। समझ लो इस वक्त हमें सरकार, हम बुलाते हैं।
कोई है? जाओ हमारे लिए कुसुम्बा लाओ, सुराही लाओ, प्याला लाओ। हाँ सरकार जी, सरकार। 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 हाँ सरकार। हाँ सरकार। डालू, तुम जंगली हो, जंगली। तुम नहीं यहाँ रहना है तो आप कहना सीखना है। बेहूदा। और सुनो, 10-20 बार इस तरह चलो तो सीधी लो, ये पोशाक पहन लो और ये बाल ठीक इस तरह बांधो, जरा इंसानों की तरह नजर आओ। सर जी, वाह 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 वाह, अब जरा उठना बैठना, बोलना चालना और चलना फिरना सीख ले, फिर देखना। यहाँ जरा ये चलने फिरने वाली बात मुश्किल है। अच्छा सांभी, अब जो तो यहाँ आई है तो फिर उल्टी चाल भी सीख। सरकार, हुजूर मालिक राजा, मैं अब इंसान नजर आने लगी ना। पर ये तो ये क्या कर रही थी? जो सबक मुझे कामी ने सिखाया था उसे दोहरा रही थी। पर क्यों? मैं दासी बनूंगी ना सरकार, हुजूर मालिक राजा तुम्हारी। नहीं नहीं, यहाँ रहना है तो आप बन सकूंगी ना। ये देखो मेरा शौक, मुझे तुम पर तरस आता है। क्यों अटला कर चलने वाली जंगल की मोरनी, कुदरत की गोद में पलकर आजाद जिंदगी बसर करने वाली हिरनी, या तो बनने ही शोभा देती। कि तू किस जंगल में जगने जा रही है रे? तू खामखा एक बंधन में। ना, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं दासी बनूंगी, राजा दासी बनूंगी। मुझे बन में रहना होता तो साथी क्यों आती? तुम्हारी वो चंचलता, वो शोखियां जिससे जंगल की मुस्काई हुई कलियां खिलखिलाने लगती थी, वो तेरा लड़पन, इन संगे मरमर की दीवारों में इसकी कौन कदर करेगा? कौन कदर करेगा? आप। मैं तो बगली एक दिन के लिए आया हूं। कुमारी चिंता में फुर्सत मिल गई हमारे पास आने की। अकेला कह रही थी कि भाई ने बहन से मुहरें छावर की है आज। जहाँ मुद्दत के बाद मिले थे, बहन मुझ पर कुर्बान हो गई, मैंने उसके सर से मुहरें छावर कर दी। और हमसे? आप तो जान निछावर है। हमारे लिए लेकर क्या है? सब कुछ। मतलब? खजाना। वो तो हमारे पिता ने भेजा है।
रणवीर। वो तो पहले ही मारा था, है ना? तो तुम्हारा नाम क्या है? फैमिली इधर आओ, आओ ना। फैमिली लाए हो, ये दासी लाए हो, ये जंगल के गीत सुनाया करेगी और इन गीतों से मेरी याद दिलाया करेगी। एहसान किया करेगी फैमिली? अब जान निसार इतनी है कि वक्त पड़ा तो जान पे खेल जाएगी। सावली अच्छा हो तुम साथ आ गए, हम तुम्हें तुम्हारी चिंता में नहीं की घर चढ़ाते, मगर देखना हमारी आदमी को बट्टा न लगे। और तुम्हारी चिंता में नहीं, अगर इससे कोई फूल हो जाए तो उसे मेरी फूल समझ के माफ कर दीजिएगा। हम इससे इसकी हिंदर्जी की वजह पूछ सकते हैं? इसने मेरी जान बचाई थी, जो गोली मेरे सीने से पार होने आई थी इसने बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया था। अच्छा, तो लड़ाई के मैदान में हमारे बहादुर की कहानी ने एक एक सामी भी रखी हुई है जो गोली से पहले लिपट कर गोली का रास्ता रोक लेती। ये वाकई लड़ाई के मैदान में नहीं, जंगल में आते हुए पेश आया। मालिक मैं वापस जाऊंगी। अब तुम कैसे जा सकती हो सामी? हमने तुम्हें इनकी नजर कर दिया। जो तो कुछ दिन ठहरोगे नहीं? कैसे ठहर सकता हूँ, महाराज के हुक्म है कि उड़कर वापस आओ। आए भी तो सपने की तरह। गगन से
गगन के सुंदर तारे फूल समझ अति न्यारे फूल समझ अति न्यारे झोली में भरना झोली में भरना झोलना मस्त पवन थी हमसे अकेले मस्त पवन थी हमसे अकेले दिल मिल कर बरखा संग खेले दिल मिल कर बरखा संग खेले फूल नहीं समाए हम फूल नहीं समाए ये लेना घर आए शर्माए सुना बनता जन आए सुना बनता जन घोड़े तैयार करो सरकार होती बुद्धू घोड़े नहीं घोड़ा मैं तो कल परसों तक जाऊंगा। अच्छा तो रणवीर सिंह जी का घोड़ा तैयार करो। वो पौ फटने से पहले पहले जाना चाहते हैं। तो आप कल परसों जाएंगे? हाँ हाँ सरकार मुबारक हो कबूतर एक और पैगाम लाया है ये लीजिए। मेरी बेसब्री और मेरी बेवकूफी समझी रास्ते में चूक हो गई रणवीर पर गोली चला दी वार भी खाली गया और मुझे भी भागना पड़ा। रणवीर आपकी आंखों का मतवाला जो जहर कामनी के पास है अगर उसकी एक बूंद रणवीर को रुख्सत होते वक्त पिला दें तो काम बन जाएगा। रणवीर वहां से रवाना तो हो जाएगा मगर मंजिल पर ना पहुंच सकेगा। क्या लिखा है इसमें पढ़ो। अरे इसमें तो मेरा नाम भी लिखा है कामनी के पास जो जहर है उसकी एक बूंद भी चोरी। तुम्हारे पास ऐसा जहर है? हाँ हर वक्त रखती न जाने कब जरूरत पड़ जाए मेरी सरकार को ये देखी। तो जल्दी करो वो कुरानी और प्याला उठा लो। ये प्याला ले जाओ जैसे ही रणवीर घोड़े पर सवार हो आगे बढ़कर कहना तुम्हारी चिंतामणि ने प्याले में अपना दिल भेजा है। समझी ये हमारा दिल है ये आपका दिल है तो ये मेरा दिल है आपके दिल से मेरा दिल क्या मिला है मेरी सरकार। यौवन देख फटाफट माँ सो रहे हैं ना तेरे सुकून इस वक्त या तुम जाग रही हो या मैं जाग रहा हूं। माँ तू इसकी लाज बचाने वाले खुद अपने हाथों तेरी इज्जत का सौदा कर रहे हैं और उन भेड़ियों के हाथ जो व्यापारियों का दहरूप भरकर हजार कोस से समंदर चीरते हुए तेरे खून का आखिरी कतरा चूस
ماں جگا دے اپنے بہادروں کی سوئی ہوئی غیرت، دے ان کو وہ نظر کہ وہ دشمن اور دوست میں تمیز کر سکے. ویسے تو تیرا ایک ایک سورما سو سو پر حاوی ہے، مگر دربھاگیہ تو یہ کہ دشمن چال ایسی جگہ ہے کہ بھائی بھائی کے مقابلے نہ آ رہا ہے، وہ بھی اس لالچ سے کہ وہ ودیشوں سے تجارت کر کے اپنی تجوریاں بھر لے. ماں، ماں آبرو کی حفاظت تلواروں سے ہوتی ہے، ترازوؤں کے پلڑوں سے نہیں. جو تیرے ٹکڑے ترازو میں رکھ کر تول رہے ہیں، ان کے دل میں وہ تڑپ پیدا کر کہ وہ ترازوؤں کو پھینک تلواروں کا آسرا دے. حکومت بادشاہوں کا حصہ ہے، مرچ مسالہ بیچنے والوں کا نہیں. یہ وقت امتحان کا ہے. جو تیرے رنویر کو دکھائی دے رہا ہے وہ تیرے ان رنگیلے گاؤں کا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ رنویر، غیروں کی ٹولیاں ہمارے خون سے ہولی کھیل رہی ہیں اور ہم چپ ہیں. دو چار سر پھرے جو اس طوفان کا مقابلہ کرنے نکلے ہیں، ان کے اپنے بھائی انہیں مورکھ سمجھ کر ان سے الگ ہو گئے. ماں، ماں ہم سر پھروں کے بازو میں وہ طاقت دے کہ ایک ہاتھ سے وطن فروش بھائیوں کو تھامے رہے اور دوسرے ہاتھ سے ان تلواروں کی پیاس بجھائے جو سفید خون کی پیاس میں. कुमारी चिंतामणि ने इसमें अपना दिल भेजा है. लो, तू गदा कि क्या किया तुमने? جب دونوں ہمارا ہاتھ میں آئے تو ہم سمجھتا آپ لڑائی سر چار دن تو پھر مانتا آپ کب ایسا کرتا. او جی ایسا ویسا نہیں، آپ کا جو جی میں آئے وہ کیجیے. دیکھیے رانا تانبا کی حالت میں نے آپ سے بیان کر دی، لے دے کہ اس کے پاس دو توپیں اور 60-70 سپاہی اور ان میں سے بھی آدھے بوڑھے خوشک. میرا خیال ہے ادھر میں نے کبوتر کے ذریعے پیغام بھیجا اور ادھر سب کے سب ہاتھ باندھ کر قلعے کے باہر آن کھڑے ہوں گے. سر سنگھ، ہم تمہاری سمجھ پر افرین بولتا. ہم سے دوستی کیا، ہم ایک دن بہت کمائے. ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا ہوگا سرکار. او بے فکر رہو. شیر سنگھ، تم بولتا راجا تانبا کا بیٹی ہماری مدد کرے گا، ہم نہیں مانتا. ایسا کبھی ہوتا؟ او جی ایسا نہیں ہوتا تو آپ کے قدم یہاں جمتے. ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. نہیں سمجھے؟ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. جی شان سپہ سالار، یہ ہم ہیں کہ آپ ہیں. اگر ہم نہیں ہوتے تو بس پھر او جی. مہاراج آہستہ بولو تانویر، ہمارے بیٹوں کی ابھی بھی آنکھ لگی ہے. دیکھ لو ہم نے اپنا وچن پورا کیا،
हमने कहा था ना कि जब तुम आओगे हमें जिंदा पाओगे। अभी तक हम जिंदा हैं और जाग रहे हैं। ये हमारे बच्चे थककर सो गए हैं। महाराज, खजाना कुमारी चिंतामणि को पहुंचा दिया गया है। मानसिंह जी कल रवाना होंगे। रास्ते में शेर सिंह तो हमें नाम न लो नमक हराम का। वो दुश्मनों से क्या मिला है, उसने कबूतरों के जरिए पैगाम भी भेजे हैं कि अतायत कबूल कर लो, जान बख्शी जाएगी। कायर समझता है हमें इज्जत से ज्यादा जान प्यारी है। हमको राजा रंगेरे राव की दोस्ती चलो। यकीनन यकीनन, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं। आप हमारे रानियों को पूछिए, हमें तो गुस्सा आता ही नहीं, हमें तो सबसे प्यार आता है। इस तलवार से हमें क्या मतलब। लाइए महाराज, इसे मैं गोद में ले लूं। हाँ, इसे तुम गोद में उठा लो। उस्ताद देख लो, ये है पुर्तगाली। हाय हाय, मैं कुर्बान जाऊं हुजूर के कदमों पर से। ये सफेदे शेर सिंह जी कहां से लाए सरकार। उस्ताद भी बड़ा उस्ताद है। हम विजयनगर वालों की तरह अपनी राजधानी, जिसे हम संगीत नगर कहकर खुश होते हैं, जन्नत का एक नमूना बनाना चाहते हैं। कुछ परियां इस जन्नत की रौनक बढ़ाने के लिए हम आपके मुल्क से भी मंगाएंगे। ये तकलीफ तो हम आपको जरूर देंगे। महाराज, ये तकलीफ का है, ये तो मुसर्रत होगी। शेर सिंह तुम भी बहुत अच्छे हो। विजयनगर में सब आदि घोड़े हम मुहैया कर। महाराज, अगर आप हुक्म करें तो आपके लिए भी बेहतरीन घोड़े मुहैया किए जा सकते। घोड़े? ओजी ओजी, खालिस अरबी नस्ल के घोड़े। महाराज, शेर सिंह यहाँ घोड़ों का शौक नहीं। तकलीफ ये है कि घोड़े खरीदो तो उन पर चढ़ना पड़ता है। हमको तो सिर्फ एक ही शौक। क्यों जी, आपके साथ कोई पुर्तगालन नहीं आई? जी नहीं, ये लोग अभी ये दिलचस्पियां मुहैया नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि आपका हादसा आपके मजाक से बखूबी वाकिफ है, इसलिए इनके इंतहा के साथ साथ खुद भी खाली हाथ नहीं आया। एक नाचीज सतोफा लाया। कौन सा तोहफा? अपना धुन पेश करो उस मापारा को, सामने लाओ उस गुलबदन को। क्या कहा? गुलबदन? ओ जी ओ जी, गुलबदन, जिसका कुल वजन फूल की एक कली से कम। मिस्र की साहिरा, वादिय नील की वो हसीना, जिसका रक्त देख देख कर महाराज आपकी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाएगी, एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाएगी कि आप ये महसूस करेंगे कि किसी ने चुपचाप आपकी आंखों में ममीरे के सुर में की सिलाई फेर दी। क्या है? शेर सिंह जी को कुमारी चिंतामणि ने याद फरमाया। महाराज, मुझे इजाजत। शेर सिंह तुम जाओ, जाओ। अपना तुम आने दो महापारा को। आलीजा, हाँ आलीजा। आलीजा, मैंने तो ऐसे मटकों में से फनियर साफ निकलते देखे हैं, और ये गुलबदन। राजकुमारी चिंतामणि नहीं थे तो मैं कैसे जा सकती हूँ। अच्छा, राजकुमारी चिंतामणि के थे, मैं उन्हें मिलने आ रही हूँ। बड़ो
मन अग्न गावे नाग में जबान याद मन गमन दानम बेदार कन्या और कमाल जान का दौलत से वास्ता है, उन्हें हिंदी तलवारों से डर भी लगता है, लेकिन अपना रूप भी कायम रखना चाहते हैं। बस मौका मिला तो कभी कालीकट पे गोले बरसा दिए, या कोई इक्का दुक्का अरब या हिंदुस्तानी जहाज लूट कर उसके मुसाफिरों, हाजियों, बच्चों और औरतों को जिस तरह चाह मौत की घाट उतारे। वो इसी में अपनी बहादुरी समझते हैं। उनके जुल्म की कहानियां हर रोज उनके लिए नए नए दुश्मन पैदा कर रही है। हमें क्या, हमें तो अपना उर्दू सीधा करना है। अभी अभी खबर मिली है कि गुजरात का राजा और मिस्र का सुल्तान दोनों मिलकर उनकी हस्ती मिटा देने की तैयारियां कर रहे हैं। उन्हें गोवा बचाने की फिक्र दामनगीर है, और मैं ये सोच रहा हूं संगीत नगर पर आ चुका, यहाँ का रंगीला राव तो अपनी रानियों के चक्कर में, और यहाँ के सिपाही घुंघरू बांधकर नृत्य सीख रहे हैं, मेरी थोड़ी सी फौज का मुकाबला भी न कर पाएंगे। इन सांवली जुल्फों, इन शरबती आंखों, इन गुलाबी होठों और इन संदली कलाइयों की कसम खाकर कहता हूं, सावन खत्म होने से पहले पहले गिनती के चंद सिपाही लेकर आऊंगा, और वो भी इस तरह कि रंगीले राव ये समझे कि मैं उसके लिए परियां जमा करके ला रहा हूं, या कोई कारवाने हुस्न लिए चला रहा हूं। आन की आन में संगीत नगर पर काबिज हो जाऊंगा। वक्त की मजबूरी है बाबा गनी, वक्त की मजबूरी। हम रंगीले राव से जाकर भीख मांगेंगे।
भाई है, शायद झोली भर दे। वो हमारे साथ हो तो फिर मैदान हमारा है। जब तक हम वापस न लौटे, कले की हिफाजत रणवीर और आप लोगों के हाथ है। मानसिंह और रोहित को हम अपने साथ लिए जा रहे हैं। महाराज, इस बिल्ली ने आपका रास्ता काटा है, आप न जाए तो अच्छा। रणवीर, ऐसे वहम नहीं किया करते। क्या डाला है इसमें? जहर। ओजी ओजी, आपके होंठ लगते ही जहर अमृत बन गया, तो पियो। ओजी ओजी, मैं तो सबका सब पी गया। मैं एक बात पूछ सकता हूँ? किससे? सच सच बताइएगा। शिव से। जो खेल हम खेल रहे हैं उसकी बाजी झूठ के मोहरे से जीती जाती है, समझे? शेर सिंह, हमें हासिल करना चाहता है। हाँ, शेर सिंह आपको हासिल करना चाहता है, और आपको हासिल करके एक ऐसी सल्तनत की बुनियादें रखना चाहता है जिसके ख्वाब इन शरबती आंखों ने बचपन से देखी। शेर सिंह को इन बाजू से नाल। शेर सिंह को इन बाजू पे नहीं, इस खोपरी पर नाल है जिसके जोर से वो हमेशा नई से नई चाल चलता है। अकल से इंसान ताकतवर से ताकतवर दरिंदे को अपने काबू में ला सकता है, दुनिया में फतेह होती है। अरे ओजी ओजी, फरेब से हर मुश्किल आसान हो जाता। एक बात और सुनिए, सुनिए, आप ऐसी ही चाल चलिए जिससे आपके पिता हथियार डाल दें, उस पर देश समझेंगे मेरी दोस्ती काम आई और राजा तांबा ने अतायत कबूल कर दी। और दूसरी बात, रणवीर को खत्म करना भी जरूरी है। जरूरी? बहुत जरूरी। अच्छा, तो अपने देशभक्ति और मेरे देवतात्मान भाई से जिलावन जी बदला ले रही है? क्यों सांवली, इस तरह खबर कर रणवीरों को कि जिनकी खातिर वो जान दे रहे हैं वही मीठी छुरी बनकर चुपचाप उनका गला काटने की तरकीबें सोच रहे हैं? किस तरह खबर करें? मैं जाऊं? ये काम आप करें, ये मेरा है, पर मेरी बात का राजा को यकीन ना होगा। आप चिट्ठी में लिख लीजिए, मैं चिट्ठी लेकर जाऊंगी। किस्मत ने आज सामने की सुन ली, मैं जान पर खेल जाऊंगी। मैं जंगल पहाड़ नदियां नाले जीतती हुई जाऊंगी और चिट्ठी को आपके भाई तक पहुंचा दूंगी। बस रणवीर को चिट्ठी मिल जाए फिर इनकी सब पोल खुल जाएगी और इनको इनके स्नेह का वो फल मिलेगा कि उम्र भर याद रखे। मैं कसम खाती हूँ ये चिट्ठी लेकर उनके पास जरूर जाऊंगी, फिर चाहे जाते ही उनके कदमों पे गिर के दम क्यों न तोड़ दूं, लेकिन वो ये चिट्ठी जरूर पढ़ लेंगे, वो खतरे से खबरदार हो जाएंगे, वो इसे पढ़कर बहुत खुश होंगे, फिर वो मेरी बहादुरी का इनाम देने के लिए मेरी लाश के पास खड़े होकर जोर से नारा लगाएंगे, सामने की जय हो। मैं सुन तो सब कुछ लूंगा लेकिन उसे कुछ नहीं कहूंगी, मरने वाले जबान नहीं खोला करते। आप मुझे कुछ लिख दीजिए ना। मोती, एक कागज और ठीक है। Thank you.
मुझे जरा चला कर दी, उसका इंतजाम आज ही हो जाएगा। ओ जी ओ जी। अब और ये क्या, मैंने मोती के कपड़े पहन लिए हैं ताकि किसी को शक न हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या है? महाराज रंगेली राव का हुक्म है कि हम आपको गिरफ्तार कर ले। और कुमारी चिंतामणि का भी यही हुक्म है कि आपको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। महाराज का घोड़ा खंडा तो फान गया, महाराज जिससे ही मर गया। महाराज के न जाने कहां चोट आई है, तब से बेहोश पड़े हुए। क्या करें? आवाजें हैं? नहीं महाराज, कीड़ों की आवाज नहीं। परोशों की गर्द का इम्तिहान क्यों लिया जा रहा? वतन से चीनी पीनी बहादुरों की दम से जिन्हें इतनी जल्दी अपने सुर में बुला रहे हो। महाराज तामा को दुश्मनों के हवाले किया जाएगा, कैदियों के सतन से जुदा नहीं किए जाएंगे और ना ही रियाया के बच्चों बूढ़ों और औरतों को मौत की घाट उतारा जाएगा। मैं खुद महाराज का भेद बदल कर अपने आप को उनके हवाले कर रहा हूँ। संजीव जाओ, जिस तरह भी हो महाराज को दीवार फांद कर सही सलामत यहाँ से ले जाओ। जिम्मेदारी तुम्हारी, हम आज राजा तामा बनकर अपने आप को दुश्मनों के हवाले कर देंगे। जाओ, शहदों की कैदियों और बेगुनाह रियाया को छोड़ दिया जाए। राजा तामा खुद के लिए से बाहर आ रहे हैं। मख्तरीम दोस्त, आज एक तरबियत की ताजी ताजी सर पर रखकर देख ली, मुमकिन इस गिरफ्तारी के लिए मुआफ कर ली। तुम्हें खुश होना चाहिए, हम तुम्हें सिर्फ मौत की सजा दे रहे हैं, सिर्फ मौत की सजा। महाराज जी की बातों में आकर मुझे मौत की सजा दे रहे हैं, क्या आप जानते हैं कल वो आपको क्या सजा देंगे? खामोश गुप्ता, हम फैसला सुना चुके, ले जाए इसे। और वो फांदी वांदी जो उसकी मददगार है, जब वो पकड़ी जाए उसके लिए ये हुक्म है कि उसकी आंखें निकाल ली जाए और उसके हाथ पैर काट कर उसी जंगल में छोड़ दिया जाए जहां से वो आई थी। तुम्हारी चिंता नहीं, हमारा इंसाफ कैसा है? अभी तक तो बहुत अच्छा है महाराज। ले जा। घबराने की कोई बात नहीं, मैं पूछता हूं बाबा बनने से। बाबा गनी पहचाना मुझे?
तुम कभी हमारे थे, बस इतना याद। अब तुम गैरों से जा मिले, खुदा करे इसे जमाना भूल जाए। बाबा गनी बड़े बामजाक। अच्छा ये बतलाओ, महाराज को कहाँ छुपा रखा? ओ सबके सामने नहीं कहना चाहते तो लो मेरे कान में कह। जमीन निकल गई या आसमान में उड़ गया? ये जमीन और आसमान के मालिक से पूछिए। बाबा गनी, दुश्मन हमको धोखा देने से पहले तुमको चाल चला। तुम नहीं समझा, दुश्मन तुमको चाल चला। दुश्मन? ओ जी अभी वक्त है बाबा गनी, ये राज हमें बतला दो कि महाराज को कहाँ छुपा रखा है। बतला दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है? ये लोग जान बख्शी कर देंगे और मेरी तरफ से हीरे और जोहरात नजर किए जाएंगे। मैं दुर्वेश, मुझे मुबारक ये तस्वीर के ताने, मुझे क्या गर्व लालो जवाहर से? तो फिर ये बहरूप किस लालच में आकर भरा है? बाबा गनी, लालच? अरे पूछूं खिदमत की तस्वीर की खातिर कर रहे हो गनी? और मैं कहूंगा कि मादरे वतन के एहसानों का बदला चुकाने के लिए शहीद बनकर वतन की खिदमत करना गद्दार बनकर वतन फरोशी करने से बेहतर है। शेर सिंह, नमक हरामों को कुत्ते से सबक सीखना चाहिए। खामोश। आप लोग इस कैदी से जो मुनासिब समझे सलूक कर सकते हैं, मुझे इस सन के बुड्ढे से कोई हमदर्दी नहीं है। कौन? खामनी? इस बहरूप में? राजा, मैं तो मेरा कोई घोड़ा सेवा करने जा रहा है। मुझे तो तुम्हारे पास चिट्ठी लेकर भेजा गया है। चिंतामणि ने भेजी? नहीं, तुम्हारी बहन चला ने। लाओ। ठहरो, पहले एक जख्म से धो लो। क्या इस चिट्ठी में भी कोई नश्कर है दिल में चुभाने के लिए? क्या लिखा है सर? मुझे क्या पढ़ना आता है? अभी पढ़ लेना, पहले जख्म धो लो। मेरे हाथ टूटे, ये मैंने क्या किया? जख्म को इतना गहरा नहीं, तुम चिट्ठी लाओ। लो पढ़ लो, पढ़ लीजिए। रणवीर, क्या है? कुछ नहीं महाराज, अचला ने पत्र भेजा है।
मुझे यकीन नहीं आता, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। बाबा गनी एक मुसलमानों के हिंदू राज्य को मदद करते हैं, अफसोस है। मरहबा, क्या ख्याल चलते हो सफेद चमड़ी वालों? मैं पूछ सकता हूँ इस्लाम का वास्ता देने वालों, अरबों की जान और माल के पीछे हाथों की क्यों पड़े हो? वो भी तो मुसलमान है। मैं नाम नहीं लूंगा उन हिंदू राजाओं का जिन्हें तोपें और बारूद बेचकर अपनों के खिलाफ हमादाई जंग कर रहे हो। वो भी तो हिंदू है, पर तुम्हें न मुसलमान का लिहाज है न हिंदू का खौफ। तुम न असलम के दोस्त हो न शंकर के जानिसार। तुम्हें तो गर्व है मालो दौलत से, और इस दौलत को तुम मेरे वतन से लूट कर अपने मुल्क की तिजोरियां भर रहे हो। तुम्हारा बदकिस्मती, तुम अपनी मौत का खुद तलबगार। तुम्हारा सर पूरा रास्ते कटा जाए या तुम समझा जाए। शुक्रिया, मेरी राय से मेरी मौत हो, इस बात का शुक्रिया। सर पर दोस्त का ताज कुल्हाड़े के सामने नहीं झुकेगा, इसलिए आए मेहरबान सिपाही साला इस तोप के गोले से मेरी जान ली जाए। दरवेश, हमारा हुक्म है, इसमें जो कुछ लिखा है पढ़कर सुनाओ। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ और किस तरह तैयार हो जाओ? अरे जो सर से कफन बांध कर निकले वो उनसे बार बार क्यों कहते हो मैं तैयार हो जाओ? तैयारी तो करनी है मेरे भाई को, जिसे भूखी तोप के पेट को बारूद से भरना। तो तैयार है तो फिर इंतजार किस बात का है? इंतजार, इंतजार तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधना। मैं कायर नहीं, मुझे आखिरी दम तक ये नजारा तो देखने दो, इस तरह गर्म के हाथ देखकर भाई भाई को तोप के गोले उड़ा देता है। जाओ जाओ, नहीं ये मुझसे ना हो सकेगा। उड़ाना मुझे भी तोप के गोले से। मरहबा मेरे दोस्त, मैं सामने के हाथ चिट्ठी भेज रही हूँ। मैं यात्रा के बहाने कल ही बनारस रवाना हो जाऊंगी, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शेर सिंह का वार चल गया, वो रंगीले राव के पास विदेशियों को लेकर पहुंच गया है। और हमारी पुत्री चिंतामणि? तुम्हारी चिंतामणि ने राजकुमारी चिंतामणि ने अपने आप को पापी शेर सिंह के हाथ बेचकर उन शेरों की आबरू को बट्टा लगाया है जो सब कुछ कुर्बान करके देश की खातिर गैरों से जंग कर रहे हैं। पढ़े जाओ, इससे बढ़कर अनर्थ क्या हो सकता है? पढ़े जाओ। बेटी ने दुश्मन से वादा किया है कि अगर लड़ाई के मैदान में दुश्मन को कामयाबी न हुई तो वो अपनी मक्कारी से अपने पिता और उनके साथियों को जंजीरों में जकड़ कर खुद दुश्मन की भेंट चढ़ाएगी, इसलिए खबरदार कर रही हूँ। महाराज, आओ आओ, तुम दहाने से पहले एक बार बुलंद आवाज में कह दे, राजा दामा जिंदाबाद, राजा दामा जिंदाबाद। यही तेरा इंसाफ है ना कि आबरू पर मर मिटने वाले वीरों, देश पर कुर्बान होने वाले बहादुरों और तख्त शाही पर हुकूमत करने वाले शाहों का इस तरह खात्मा हो, इस तरह अंत हो कि उनकी चिता के लिए यूं इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठी की जाए। ये बेकुफन लाश उस राजा की है जिसे उसकी प्रजा ने मुंह बोला, उस बाप की है जिसे बेटी ने मजबूर किया कि वो शर्म से आके बन गया, उस गैरतमंद सूरमा की है कि जिसने अपने हाथों अपनी पेशानी पे अपने खून से टीका दिया। रे मेरे बदनसीब देश, जिस चिता तेरा लुटा हुआ नसीब, रे हिंदुस्तान की सजात सर पीठ, मातम करे वीरता के तेरा सुहाग लुटा। महाराज, आपके पवित्र चरणों की कसम खाता हूं कि जब तक आपके दुश्मनों से बदला न ले लूं, जब तक हैरों को देश से निकाल दूं, न दाएं हाथ से पानी पीऊंगा, न चारपाई पे सोऊंगा, न थाली मन खाऊंगा।
रंगीले राव को खुश होना चाहिए कि आज हम उन्हें और उनकी रानियों को मौत की सजा देते हैं, सिर्फ मौत की सजा। रंगीले राव की रंगरंगियों का है खत्म हो गया और संगीत नगर का ये ताज आज से हमारे सब को शोभा देगा। संगीत नगर पर महाराजा शेर सिंह और महारानी चिंतामणि हुकूमत करेंगे। राजधानी के कोने कोने में खबर कर दो कि जो नादानियां इस हवित परस हर हुक्म पर राजा के हद में होती थी, नए हुक्मरान उन्हें हर की भरकित का आराम करेंगे। क्यों ठीक है ना? संगीत नगर पर महाराजा शेर सिंह और महारानी चिंतामणि हुकूमत करेगा। अगर झंडा तो पोती जल जाएंगे राजा। झंडा तो पुर्तगाल का ही लहराएगा। और अगर कोई शख्स पुर्तगालियों के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से निकालेगा तो उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। अब तुम जाओ और अपनी राह लो। मैं महाराज की आखिरी क्रिया करने बनारस जाऊंगा और वहीं अजला से भी मिलूंगा। फिर वही दीवानगी, वही धुन, वही लगन कि किस तरह गैरों को कुचल डालूं और अपनों को जिन्होंने इस तरह धोखा दिया ऐसी सजा दूं कि मरने वाले की आत्मा को शांति हो और जीते जी जलने वाले का कलेजा ठंडा हो। मेरी जरूरत? कोई जरूरत नहीं। एक बार तुमने बेवफाक नजर कर दिया, अच्छा हुआ तुम्हें छुटकारा मिल गया। तुम्हें भी तो छुटकारा मिल गया। आओ तुम्हें आजाद कर दो, अपने हाथों से स्टॉक के गुलामी को तोड़ दो। ना ऐसा न कर, ये मेरा जेवर है और औरत को जेवर प्यारा होता है। मैं दासी जानबूझ कर बनी थी, अब जबकि एक बार बन चुकी सुनो। रणबीर तो पहले ही हमारा था ना? मैं अपनी तलवार देखता तो महसूस करता कि इसने भी मुझे धोखा दिया, इन सब ने मुझे धोखा दिया। मैं समझता रहा मैं बहादुर, मगर जिंदगी ने वीरता दिखाने का मौका ही नहीं। निराशा निराशा घोर निराशा, कुछ सुझाई न देता था। मैं कायर था, मैं यूं ही डरने लगा, मैं जिंदगी से खौफ खाने लगा। तलवार अब मेरे हाथ में शोभा देती थी।
समझ नहीं आई। वो तो न जाने किस ध्यान में, न जाने किसके ध्यान में। उदास खड़ी है। अच्छा तुम ये बाहर ही है, बात करो, काटने को देखती। नैना, सावली तो उदास खड़े खड़े आंसुओं से तालाब भर रही। अब के फागुन में भादो ले आई है वो। दिन गुजरे, दिनों की आड़ में महीने गुजरे, बहारें आई, बहारें चली। मैं सूखे दरख्त देखता तो कहता तुम ही मेरी तरह हो, तन्हा। तुम्हें पत्ते छोड़ गए और मैं वो सेनापति की जिसकी सेना ही। कभी कभी उड़ते हुए परिंदों से पूछता ए पक्षियों, मेरी सेना बनकर दुश्मन से लड़ोगे? कायर, ये भारत का कल्याण करेंगे। दिल में धुआं उड़ता रहा और एक दिन यही धुआं सामने की याद बनकर उन्हीं राहों से वापस ले आया जिन राहों से एक बार गुजरा था। राजा तांबा या रणवीर का पता बताएगा उसको शाही खजाने से 1000 मोहरे मिलेगी। कई बार तो रात रात भर पानी में रहना पड़ा। Thank you.
आदमी मेरी नाव में आया है, तुम्हें बुलाता है। दूर हो, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं। अरे बाबा, इसका तो माथा खराब। जिसका मुझे इंतजार है वो नाव में बैठकर नहीं, किसी दिन घोड़े पे चलकर आएगा। शायद आ चुका हो, शायद आकर चला भी गया हो। गया नहीं साहब। तुम्हें मेरा इंतजार था। मैं बस कुछ बदल गया हूँ, तुम नहीं है। तू रो रही है पंडित? तुम्हें तो बुखार है। चुप। और तुम भीगे हुए कपड़ों में इस तरह खड़े हो। चुप। चलो मैं तुम्हें बैठ के पास ले जाऊं। चलो। चाचा वैद, एक बात बता दो मुझे। क्या? ये कल सवेरे तक अच्छा हो जाएगा ना? अरे बावली, तू क्यों घबराती है? बहुत जल्द अच्छा हो जाए। मेरी कसम? तेरी कसम। राम कसम? राम कसम। काशी में अचला का कोई पता नहीं मिला। न जाने वो जीती है या मर गई। और हो सकता है कि वो अभी तक संगीत नगर में ही बंद हो। हो सकता। सामने अब संसार में कोई नहीं रहा। चिंतामणि, ना उसकी सूरत देख सकता हूँ, ना उसके वफा की याद भुला सकता हूँ। ये देखो उसकी अंगूठी, कितनी बार फेंकी मगर फिर ढूंढी असल पहनी। अब मैं थोड़े ही दिनों का मेहमान। चुप। सोचा मरने से पहले शामली का भला कर दूं। सच? कैसे? कैसे? दुश्मन ने ढिंडोरा पीट रखा है कि जो मेरा पता बताएगा उसको हजार मोहरे इनाम मिलेंगे। इसलिए सोचा। इसलिए सोचा कि सामने को मोहरों की बड़ी जरूरत है, वो तुम्हें दुश्मन को देकर हजार मोहरे से झोली भर लेगी। हजार मोहरे बहुत होती है ना? अपनी बात भी गजब की करता है, जो खुद बिक चुकी है।
वो तुम्हें क्या बेचेगी? देखो आज मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे दिलगीर ना करो। ये तो सोचो कि सांवली की किस्मत कितनी अच्छी है जो राजा खुद चलकर आए। राजा सोचते क्या? अरे इसमें चिंता किस बात की है? सांवली तुम्हारे साथ, हमारे गांव का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ। एक बार हुक्म करो और धावा बोल, फिर देखो। जीरन में डरते केसरी, जीरन में डरते केसरी, इदी थर थर सबे अपमान, रन में सूरमा, इदी थर थर सबे अपमान, रन में सूरमा। मैं ना मैं क्या करूँ, मुझे मुझे छुपा लेना। अरे मैं कहाँ छुपा लूँ, अपने राजा से कहो ना। और टुंडलू देते हो वो गधी के दूध में पीस के देते हो, ये क्यों? भाई जैसा रोगी वैसी दवा है,
खोजे मैं शिकार मारने जा रही हूँ, तू चले जाना। रामनी तू जा, मुझे आज राजा की दाढ़ी मुंडनी है, राजा की भी। अरे मुंडवा लूंगा किसी दिन, मुझे कौन सी जल्दी है। हाँ आज तुम दाढ़ी मुंडवा ही दो, अच्छी नहीं लगती। ओ तुम्हारे तो सूरत से डर लगता है। डर लगता है तो सूरत मत देते। सूरत मत देते, चलो कुछ खाती है। अरे तुम दाएं हाथ से पानी क्यों नहीं पीती हो? नहीं राजा, मैं दाएं हाथ से पानी नहीं पीती, क्योंकि जिस दिन से तुमने राजा तांबा की चिता पर खड़े होकर यत्न किया था, उसी घड़ी मैंने भी दिल में ठान ली थी कि जो तुम करोगे जीवन भर वही करूंगी। और राजा मुझे वो रात भी याद है जब तुमने भवानी के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की थी और कहा था, माँ हमारे बाजुओं में बल दो, हम गैरों को देश से निकाल। मैं नहीं जानती कि गैर कौन है, कहां से आए हैं, पर जब तुम कहते हो कि वो हमारे शत्रु हैं तो वो जरूर हमारे शत्रु हैं, वो राक्षस हैं। तुम जो कहते हो वही तो सच होता है ना, तुम देवता हो ना, इसलिए तो मैं रोज कहती हूँ कि तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। हाँ टुंडलियों ने कल कथा सुनाते सुनाते कहा था, हमारे देश में जो वीर हो तो देवता, और विद्वान हो तो उसे ऋषि समझना चाहिए। तुम वीर हो, तुम देवता हो। बस बस पावली, मैं धूल हूँ, धूल। तुमने महाराज की चिता पर किया हुआ प्रण याद दिलाकर मेरे मुंह पर तमाशा मारा, तुमने मेरे दिल में नस्तर खोपा, तुमने मेरे जमीर, मेरे सोए हुए जमीर को लात मारकर जगा दिया। सुन, उस रणवीर में और इस रणवीर में बहुत फर्क है। वो एक बहादुर सिपाही का ख्वाब था, अब जो तुम्हारे सामने खड़ा वो जान बचाकर छिपने वाला, हर जगह हर तरह से पिटा हुआ कायर। तब जो रणवीर था वो वीरता का वो गौरव था जो फतह के इरादे लेकर पहाड़ों से टकराना चाहता था, और अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है और जो तुमसे प्रीत के गीत सुनकर खुश होता है, वो उसी रणवीर की पिघली हुई तस्वीर जिसके हिस्से में नामुरादी, बेबसी और नाकामी के सिवा कुछ भी नहीं। कहा वो अरमान तलवारों से सल्तनत जीतने की, और कहा ये जिंदगी, ये कोशा नशीन, ये तन्हाई, ये नदामत। निराश क्यों होते हो, अच्छे दिन आएंगे, तुम वही करोगे जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारे दो बाजू नहीं कर सकते वो मेरे और तुम्हारे चार बाजू मिलकर जरूर कर लेंगे। बड़े काम एक आदमी का काम नहीं देर का होता है, एक तुम और तुम्हारे साथ अर्धांगिनी सावली होनी चाहिए। हूँ तो तुम्हारे चरणों की धूल, पर तुम्हारे चरणों की धूल हूँ ना, तुम सावली को अपना साथी बना लो, और फिर जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, सावली के लोग तुम्हारे लिए जान पर खेल जाएंगे, बच्चे बूढ़े औरतें सब तुम्हारे लिए कुर्बान होने को तैयार है, तुम जिसकी तरफ इशारा करोगे हम उस पर टूट पड़ेंगे, और जो तुम्हारे जीने आए वो करो। तो दिलगीर ना हो हमारे देवता, हमारे लहू की पहचान तो कर,
हमारी वीरता को आजमा तो, और अगर तू हमारी सावली को अपने चरणों में जगह देगा तो बिगड़े काम बन जाएंगे। हम तेरे चरणों, और अगर तू इसे छोड़कर चला गया तो हम सावली को इन जंगल के सूखे पत्तों के ढेर में बिठाकर उसे अपने हाथों से आग लगाते उसे जिंदा जला देंगे, क्योंकि जब आशा टूट जाए तो निश्चिंचल हम एक दिन चलकर मरना अच्छा समझते। अगर मैं सावली से ब्याह कर लूं तो तुम सब, हम सब तेरी सेना है, जिससे कहे डर मरे। मैं सावली से ब्याह करूंगा सब। अरे वो सावली, अरे वो बावली, अरे वो सावली, अरे अब सीधा भागती है, अरे राजा तुझसे ब्याह करेगा ब्याह, अरे वो सावली, अरे राजा तुझसे ब्याह करेगा ब्याह। ख्वाब? कैसा ख्वाब? मैंने देखा रणवीर से सावली की शादी हो गई है और वो दोनों हवा में उड़ रहे हैं। ख्वाब में शादी देखना बहुत बड़ी बदशगुनी। अगर आपने यही ख्वाब देखा है तो समझ लीजिए कि रणवीर जहाँ कहीं भी है उसकी मौत आई है। जय सिंह, मेरी मौत नहीं तुम्हारी मौत आई। चलो संभालो तलवार, मत बनो मत। Thank you.
सर छोड़ के सारे तन भागे सर छोड़ के सब बड़े वीर बलवान रण में सुरमा जब बड़े वीर बलवान रण में सुरमा अब तेरे प्रभु के अज्ञान रण में सुरमा आज मेरे सैनिक के जागे जागे आज मेरे सैनिक के जागे 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 खून के तिलक लगा कर बरसे खून के तिलक लगा कर बरसे कायर सेना पर बरसे कायर सेना पर बरसे नौबत गूंजे और दिल धड़के नौबत गूंजे और दिल धड़के आने गले मिले बड़ बड़के आने गले मिले बड़ बड़के धड़ में हाहाकार मचा कर आप तो रानी बांधा ससुराल में मजे उड़ाओ अच्छा मजे उड़ाओ मजे मजे अब हम अपनी बस्ती को वापस जाते तुम्हारी और तुम्हारे पति की मन की मुरादें पूरी हुई अब हमें आगे मैं तुम्हें जाने से रोक कर नहीं सकती मगर जो यहाँ रहना चाहे उसके लिए मेरे महलों के दरवाजे खुले हैं और जो जाना चाहे उसके जो जी में आए ले जाए अभी वो तो तुम्हारे कहने से पहले हमने सब कुछ ले लिया है और मैंने तो एक दासी भी ली है शेर सिंह क्या जो सीधा इधर आया हम समझता है तुम्हारा दोनों टांग काटना पड़ेगा शेर सिंह हम पूरी कोशिश करेगा तुम बच्चे मैं जिंदगी से हाथ धो चुका हूँ मगर मेरी दो बातें पूरी होनी चाहिए बोलो बोलो जरूर हम पूरी करेंगे पहली ये कि ये हीरे की अंगूठी उस मल्लाह को दी जाए जो मुझे यहाँ चुकलाया और दूसरी ये कि तोपों का मुंह संकेत नगर की तरफ फेर दो और जिस तरह कालीकट पर गोले बरसाए थे उसी तरह रात भर शहर और महल पर आग बरसाई जाए मैं चाहता हूं कि सुबह होने तक संजीत नगर का नाम मिसाल तक मिचू हम समझता है हम लश्कर बेहजकर जंगली लोग और इसके सरदार को चुन चुन कर मार देगा मगर मेरे को
حضرت نظر کو تو کسی اڑانا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ میری آخری خواہش ہے. اگر آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے تو میں جو چاہوں وہی ہونا چاہیے. میں گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہوں، لیکن میں انتقام لیے بغیر نہیں مر سکتا. اس لیے جب تک میرے دم میں دم ہے، میرے کانوں میں توپوں کی گونج سنائی دے، جب تک میری آنکھوں میں روشنی ہے، تو میں دیکھوں کہ سب کچھ شولوں کی نظر ہو چکا ہے. میری راجدھانی کا نام و نشان مٹا دیا گیا ہے. ایسی تباہی کہ سنگیت نگر جل کر بالکل راکھ ہو گیا ہے. نہ وہ مائیں رہی جو بچوں پر لوریاں دے کر شیر سنگھ کی غداری اور رنبیر کی جمع مرضی کے گیت سنا سکے، نہ وہ بیٹے رہیں جو کل پھر سینہ تان کر آپ لوگوں کی زندگی حرام کر دیں. اس لیے حکم ہو کہ توپے دھاری اور برستی ہوئی آگ سورج نکلنے سے پہلے میری آخری خواہش پوری کرتی، اور پھر کل کل جس طرح میری لاش جل رہی ہو، اس طرح میری راجدھانی شولوں میں لپٹی ہوئی ہو. پتی کے سر کو گود میں رکھ کر ستی بن کر سان دیے، اور آج میں تمہیں اس جلتی ہوئی آگ میں اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا.
मैं जान बचाकर भागने के बजाय तुम्हारा साथ दूंगा सांगली। बात से अपनी गोद में लेकर दुनिया से रुखसत होता मैं जिंदगी में हमेशा तुमसे दूर दूर ही रहा। आज तुम्हारी बेजबान लाश से भी रुखी नहीं कर दी है। जलती हुई आग के शोलों बढ़ो और हमें प्यार से निपट जाओ जिस प्यार से हम एक दूसरे से लिपटे हुए। है मादरे वतन, मैंने और मेरी सांगली ने तेरे एहसानों का पता चुकाने की कोशिश की, कहां तक कामयाब हुई है भगवान जानता। आज हम दोनों अरमान लिए हुए रुखसत होते हैं ऐ देश। हे भगवान, इस मामूली सिपाही की एक ही आरजू है कि हम दोनों जितनी बार जन्मे इस देश के सेवक बने, हर बार जान निछावर करने पाए भारत तेरी आबरू की खातिर। जमाना गवाह है कि ऐसी पवित्र आत्माओं ने बार बार भारत में जन्म लेकर, कभी झांसी की रानी बनकर, कभी सरदार भगत सिंह, तो कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनकर भारत का कल्याण किया। भारत निवासियों, क्षमा आजादी के इन परवानों को कभी न भूलना, कभी न भूलना। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।